हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि हम दो डेटा को एक्सेस में कैसे कॉन्कैटिनेट करा सकते हैं। कॉन्कैटिनेट कराने का मतलब क्या होता है कि कॉन्कैटिनेट कराने का मतलब ये है कि किसी भी दो डेटा को उठा करके हम एक पास कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस, क्लिक ऑन क्रिएट, और उसके बाद यहाँ व्यू टैब पे जाना है, डिज़ाइन व्यू पे जाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्कैटिनेट, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉन्कैटिनेट, एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी की है हमारी। इसके बाद हमें क्या करना है, दो टेबल जिनको हमको कॉन्कैटिनेट कराना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी और यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसको लिखने के बाद यहाँ पर हम करेंगे लास्ट नेम। यहाँ पे सब टेक्स्ट डेटा टाइप होंगे। अब इनको हमें करना है कॉन्कैटिनेट, तो पहले हम इसको क्लिक करके डेटा शीट व्यू में आ जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो भी हम एंटर करेंगे इनको कॉन्कैटिनेट करा के यहाँ पर एक फील्ड में हमें लेके आना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कॉन्कैटिनेट करा सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ क्वेरी डिज़ाइन पर जाना है और इसको जो कॉन्कैटिनेट वाली टेबल है इसको यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए, ऐड करा दीजिए, और यहाँ से डबल क्लिक करते हुए इन सबको यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। और यहाँ पर एक बनाएंगे हम फुल नेम का कॉलम, तो यहाँ लिखते हैं फुल नेम। बहुत ही आसान तरीका है, कोलन लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए। पहला है फर्स्ट नेम, लिखते हैं यहाँ फर्स्ट नेम, बंद करते हैं ब्रैकेट को और यहाँ लगाते हैं एम परसेंट, यानी एड्रेस ऑफ सिंबल जो हम लगाते हैं प्रोग्रामिंग में वो वाला सिंबल, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे मिडिल नेम, ठीक है, और यहाँ मिडिल नेम लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे एम परसेंट का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम। तो यहाँ लास्ट नेम भी लिख दिया, इसको क्लोज करेंगे। अब हमें रन करवाना है इसको, तो यहाँ से रन करवाते हैं। तो यहाँ देखिए एक फुल नेम का कॉलम यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम जैसे एंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एंटर किया सूरज, सेकंड नेम जो एंटर किया हमने वो है कुमार, यहाँ पे लास्ट नेम में तिवारी रहेगा तो यहाँ पे तिवारी लगा लेते हैं, तिवारी। तो देखिए ये कॉन्कैटिनेट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉन्कैटिनेट हो चुका है। अब इसी तरह से दूसरी वैल्यू है हमारी राम प्रसाद सिंह, ये लिख दिया हमने। तो देखिए ये सब एक में नहीं लिखना है, हमें पहले एक में लिखना है राम, ठीक है, दूसरे में लिखना है प्रसाद, इन तीनों को हमें कॉन्कैटिनेट कराना है और तीसरे में लिखना है सिंह। तो ये देखिए कॉन्कैटिनेट होकर अगले टेबल में अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉन्कैटिनेट करा सकते हैं। आई होप कि आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा इससे। यहाँ मैं लिखता हूँ अंबिका, सेकेंड टेबल में लिखता हूँ प्रसाद, थर्ड टेबल में लिखता हूँ मिश्रा। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्कैटिनेट होकर आ गया। तो इस तरह से हम कॉन्कैटिनेशन करा सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।